जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे हमारे। और आज बात करने वाले हैं टाटा टियागो के बारे में, क्योंकि सीएनजी के अंदर टाटा ने लगा दिया है ऑटोमेटिक, और ये हो जाती है इंडिया की पहली कार जो आपको मिलने वाली है सीएनजी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इससे पहले खबर आ रही थी कि भाई टाटा ने टर्बो के अंदर सीएनजी लगा दिया है, तो सबसे पहले तो भाई बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है, अपने देश की कंपनी है, नाम रोशन कर रही है फील्ड में, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किसके लिए है ये कार एक्चुअली में, क्या ये ट्रस्टफुल है, लाइक बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सीएनजी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ रहा है, और क्या क्या फीचर्स है कार के अंदर, क्या मिल रहा है आपको, क्या प्राइस है, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, सारी बातों के आंसर देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। देखो सीएनजी के टाइम पे क्या था ना, लाइक लोगों ने सीएनजी ली, पैसे बचाए, महंगाई इतनी बढ़ रही थी, पर फिर क्या हुआ ना, लोग थक गए। थक कैसे गए कि भाई ट्रैफिक इतना है, क्या करें अब सीएनजी, एक तो वैसे उसमें पिकअप वगैरह भी कम हो जाता है, फिर घेर लगाते लोग, क्लच में परेशान। एएमटी निजात था इस बात का, पर वो फिर पेट्रोल में आता था, सीएनजी में आता नहीं था, तो ये बहुत बड़ा लूप होल था यहाँ पर, जो मैं बोलूँगा कि एक गैप था टेक्नोलॉजी का, जिसको टाटा ने भाई बड़े ही स्मार्टली फुलफिल करा है, और वो भी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ फुलफिल करा है, यानी कि अब आपको बूट स्पेस भी मिलेगा। हालांकि ये पूरा कंप्लीट बूट स्पेस नहीं होता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, तकरीबन आपको जो है 50-50 काइंड ऑफ स्पेस मिलता है यहाँ पे, या आई वुड से कि 60% तक का स्पेस आपको मिल जाता है, बट फिर भी बाकी कंपनियां तो दे ही नहीं थी भाई, वहां पर तो इतना बड़ा एक सिलेंडर रख रखा है, घर से भी बड़ा सिलेंडर बोनट में। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी, लेट्स गो। तो दोस्तों अगर हम बात करें कार के प्राइसेस की, सबसे पहले तकरीबन 9 लाख एक्स शोरूम आप मानकर चलो, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में हो आप तो प्राइस थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं। और यहाँ पर देखो टियागो की ओवरऑल रेपुटेशन ऑलरेडी काफी अच्छी है, और अच्छी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जो सीएनजी ऑटोमेटिक है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी में आपको मिल रहा है, तो बूट स्पेस भी तकरीबन आपको 120 लीटर के आसपास तो मिल ही जाएगा, तो यहाँ पर टोटली वेस्ट बूट स्पेस नहीं हो रहा है, और इतना बूट स्पेस आपको मिल ही जाएगा कि एक आध लगेज इजिली, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आप कैरी करके ट्रैवल कर सको आराम से, लैपटॉप बैग, लगेज, थोड़ा सा छोटा मोटा यू नो आइटम एंड ऑल। टाटा के लिए भाई बिल्कुल तालियां बजानी बनती है, स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीएनजी में एएमटी लगा दिया इन लोगों ने। मैंने आपको पहले भी कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, ये तो बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है। इस बात पर वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और कमेंट में गुड जॉब टाटा तो लिख ही देना। फीचर्स काफी सारे हैं इस कार में, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, पर यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा दोस्तों, पुश स्टार्ट भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ये कार आप डायरेक्टली सीएनजी में भी स्टार्ट कर सकते हो, तो वहां पर भी आप थोड़ा सा फ्यूल बचाओगे, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है फ्यूल बचाने की टेक्नोलॉजी में इधर, कि भाई लो सीएनजी में ही स्टार्ट कर लो। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कि किसके लिए है ये कार, किसको टारगेट करना चाह रहे हैं टाटा, तो यार मैं बिल्कुल जनरली आपको बताऊंगा, सीएनजी देखो वैसे भी ना, जब आप कार सीएनजी लेते हो, फॉर एग्जांपल जो टियागो पेट्रोल है उसकी पावर ज़्यादा होती है, उसका टॉर्क ज़्यादा है, आपने सीएनजी मिली वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कम हो जाता है टॉर्क और पावर। अब यहाँ पर आप एएमटी में भी चले गए तो मैनुअली आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर भी और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा हो जाएगा पावर। तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा यार, जिनको अपनी डेली लाइफ के लिए कार चाहिए, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये। फॉर एग्जांपल आपको दिन के 30 किलोमीटर चलानी है, और बीच में ऐसा एरिया भी आता है वहाँ पे खूब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, आप काफ़ी परेशान रहते हो, तो इसके अंदर क्रीप मोड भी है, वो अपने आप मैनेज करता रहेगा धीरे 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 यू नो। और यहाँ पर देखा जाए तो मुद्दे की बात ये हो जाती है कि यार इसको आप ना भगाने के हिसाब से मत लेना, कि आप सोचो अब आपने ले लिए, आप ये फन टू ड्राइव कार है, बिल्कुल पंजा दबाओगे उड़ेगी, ऐसा नहीं होने वाला। However, इट्स अ गुड कार, आपको एक स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो दे देगी, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी। अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं, तो भाई अगर आपको इसका 0-100 भी करना होगा ना, तो 20 से 22 सेकंड तो मान ही लेना कि लग जाएंगे, तो उसके हिसाब से ये अपने यू नो स्टैंडर्ड वे में अपना पिकअप लेगी और आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल ही आप सोचो कोई क्विक पैडल कार है, तो यार वैसा नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो आ जाता है, कैन यू ट्रस्ट ऑन दिस टेक्नोलॉजी, क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो। देखो टियागो काफ़ी टाइम से सक्सेसफुली सीएनजी में आ रही है, और कोई ऐसा मेजर कंप्लेंट रेशियो यहाँ पे नहीं आया है कि कोई बहुत एक्सट्रीम कंप्लेंट्स आ रही हो यहाँ पे। माइनर चीज़ें तो हर कंपनी में चलती ही रहती हैं, तो ओवरऑल आप इस कार पे ट्रस्ट कर सकते हो। टाटा ने नेक्सॉन के अंदर भाई टर्बो में भी लगा रहे हैं वो लोग सीएनजी, तो आरएनडी टीम होती है, पूरी रिसर्च टीम होती है, बहुत तगड़ी, पैसा लगता है। सो मजाक में मत लो आप भाई, बिल्कुल दिमाग से काम करा जा रहा है। अच्छी बात ये हो जाती है, यहाँ पर एएमटी गियरबॉक्स होने के बाद भी ना आपको मैनुअली शिफ्ट करने का ऑप्शन भी डाल दिया साइड में, अगर आपको 1-2 ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से गियर चेंजेस करने हैं, उधर भी आपको एडवांटेज मिल जाता है। ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पर ना सेफ्टी फीचर के अंदर कार में आपको एक एक्स्ट्रा, लाइक एक तो जनरल सेफ्टी होती है, यहाँ पर सीएनजी सेफ्टी फीचर्स भी हैं, जिसमें आपको देखो फायर एक्सटिंग्यूशर मिलता है ऑलरेडी कार में। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही हो, तो वो जो एक लाल बोतल सी होती है, वो जो लाइक गैस सी फेंकती है, तो वो वाला जुगाड़ मिल जाता है यहाँ पे।
इन केस ऑफ एमरजेंसी जो टाटा के मैंने चेक करा है सारे रिसर्च अपने हिसाब से, यहां पर अगर कोई लीकेज सेंस करती है ना कार, तो ऑटोमेटिकली गैस को एयर में रिलीज कर देगी वो, इन केस यू नो अगर कार को रियलाइज होता है कि कोई दिक्कत है, या फिर कट ऑफ कर देगी कि आगे सीएनजी और ना जाए लीकेज के टाइम पे। और यहाँ पे टाटा खुद भी रेकमेंड कर रहा है यहाँ पे कि अगर आप कार को चला रहे हो 250-300 किलोमीटर अगर आपने चला दिए सीएनजी में, तो भाई 20 किलोमीटर तकरीबन 30 किलोमीटर पेट्रोल पर भी चलाओ, ताकि यू नो जो कार का एक ओवरऑल टेक्निकल प्रोसेसिंग है वो सिस्टम प्रॉपरली एक्यूरेटली काम करता रहे। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं मैंने सोचा आपको बता दूँ। बाकी यार यूजेबल बूट स्पेस है, ट्विन सिलेंडर है, 60 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो गैस डलवाओगे तो यार मेरे अकॉर्डिंगली एक बार में 8-10 किलो तक चले जाने चाहिए, बाकी कुछ तो डिपेंड करता है प्रेशर पे भी, कभी कभी 11 भी चली जाती है, 12 भी चली जाती है, बट ऐसा नहीं होता कि फुल आपके वो रहेगी। किसी ने मेरे से क्वेश्चन करा था कि पूरी भर जाती है कि सीएनजी, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई स्पेयर व्हील का क्या होगा, तो स्पेयर व्हील जो है कार के नीचे कर दिया है बिल्कुल, तो नीचे से उसको आप यूज़ कर सकते हो। अच्छी बात यह कि हटाया नहीं है कि भाई पंचर के टाइम क्या करो हमें नहीं पता। बाकी अगर हम कार सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ड्यूअल एयरबैग मिल जाता है, ABS विद ABD मिल रहा है, ESC मिल रहा है आपको, TPMS मिल रहा है, रियर व्यू कैमरा मिल रहा है, आइसोफिक्स मिल रहे हैं चाइल्ड के लिए। कार की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो 168 mm हो सकती है, ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं भाई कि कार थोड़ी सी ऊंची साइड में हो, पथरेले रोडों में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, पर कहीं ना कहीं तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। अब आ जाते हैं भाई कार के फीचर्स के ऊपर, क्योंकि यार इतना पैसा लगाने के बाद ढंग के फीचर तो बनते ही हैं, और पूरी कोशिश भी करी है यहाँ पे टाटा ने। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे दिए, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, रियर वाइपर वॉशर मिल रहा है, 7 inches का इंफोटेनमेंट मिल गया यहाँ पे आपको, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, कूल ग्लोव बॉक्स है, हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है यार जिनकी हाइट के अगर बोनेट विजिबिलिटी के इशू आते हैं, थोड़ा ऊपर बैठने का शौक हो तो वहाँ पर भी ओवरऑल मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ली है और काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने बेसिकली डिस्कस तो कर ही लिए थे। यार टियागो को कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, काफ़ी वक्त से टियागो एक नाम टिका हुआ मार्केट में, सेफ्टी के मामले में भी अच्छी है, सेफ्टी फीचर्स मैंने आपको CNG के बारे में बता दिए। अभी भी अगर आपकी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर 9 लाख रुपये तक लगाना, लाइक अगर आपको वाकई में नीड है ना ऑटोमेटिक की, कि यार आप ट्रैफिक में नहीं मैनेज कर पाते, आपकी एक एज हो रही है, तो ही मेरे ख्याल से यहाँ पे पैसा लगाने का कोई लॉजिक है। क्योंकि ये कार आपको देखो अगर कोई आपको परफॉर्मेंस वाइज फन वाइज चाहिए भगाने लाइक पंजा दबा के, वहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। लाइक समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, इसका क्रीप मोड भी है, वो आपको ट्रैफिक में हेल्प कर देता है जो बम्पर टू बम्पर वाला होता है। ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए किसी को ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाना हो तो ही बढ़िया है, हाईवे पे भी अच्छी चलती है, बट यार देखो हाईवे पे जाके मन कर ही जाता है कि थोड़ी सी भगा लो आप। साइज़ भी देखो अगर आप 9 लाख रुपए तक लगा रहे हो, 9-10 लाख रुपए के आसपास, तो काफ़ी अच्छी कार्स आ जाती है अगर आप पेट्रोल में देखोगे, कॉम्पैक्ट SUV कार्स आ जाती हैं भाई। तो लाइक इट्स बेसिकली टारगेटिंग अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस, अगर आप उन लोगों की श्रेणी में आते हो कि जिनको ये कार चाहिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट ही जाना है डेली का, पहाड़ों वाड़ों पे नहीं जाते, ज़्यादा भगाने का शौक नहीं है, और बस अपनी रोज़मर्रा का जो एक बर्डन हो जाता है ट्रैफिक का, उसके लिए मुझे लगा ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ हो जाती है। एज अ कार टियागो का जो पेट्रोल वेरियंट आता है या फिर जो अदर CNG वेरियंट आता है, वो मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। तो देख लेना इसको कैसे जमी है ओवरऑल जो यू नो कॉम्बिनेशन बनाया है इन्होंने CNG का। बाकी यस यू कैन ट्रस्ट टाटा यार, वारंटी वगैरह तो आती है, इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। टियागो में तो कई सालों से CNG चल रही है, तो टियागो ने जस्टिफाई करा है कि हाँ भाई कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, बूट स्पेस भी बच रहा है। तो फिर भी अगर किसी के डाउट या फिर क्वेश्चन बच जाते हो, चैनल पर हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं कमेंट सेक्शन में, आप आइए कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।